हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्नेहा। स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाऊँगी जो 1 कप सूजी से बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए 1 कप सूजी ली हूँ। ये नॉर्मल वाली सूजी है जो सभी के घरों में होता है, जिससे हम हलवा बनाते हैं, बस वही सूजी है। तो 1 कप सूजी ली हूँ। उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सभी सूजी को डाल दें। उसके बाद इसमें आधी कप दही लेंगे, जिस कप से सूजी ली हूँ उसी कप से आधी कप दही लें। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून बेसन का यूज करूँगी। बेसन डालने से जो हमारा ढोकला है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आज मैं ढोकले के जैसा ही एक नाश्ता बना रही हूँ, बिल्कुल ढोकला के टेस्ट में ही बनेगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो 2 टेबल स्पून बेसन डाल दी हूँ। उसके बाद ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं। लहसुन डालने से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये 2 हरी मिर्च हैं, इन सभी को इसी में डाल देंगे ताकि बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो जाए। आप चाहें तो लहसुन और हरी मिर्च को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन काट कर डालने से ये मुंह में आता है तो बच्चों को दिक्कत होती है खाने में। ऐसे पीस कर डालने से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो उसके बाद 1/2 टीस्पून नमक डाल दी हूँ, आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। 1 टीस्पून चीनी डाली हूँ, चीनी ज़रूर डालें। चीनी से जो हमारा नाश्ता है बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल हल्की सी मिठास और मिठास बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो चीनी डाल दी हूँ। उसके बाद 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिससे कि हमारे नाश्ते में मॉइस्चर रहेगा। और आधी कप पानी डालकर बिल्कुल अच्छे से इसको बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। इससे होगा कि हमारा जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छे से एक जैसा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो गया है। तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो सभी बैटर को दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ। उसके बाद मिक्सी के जार को हल्का सा धोकर 2 चम्मच पानी और डाल दूँगी, बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 2 चम्मच और पानी डाल दी हूँ। और उसके बाद इसमें कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून से ही थोड़ा कम, 3 से 4 पिंच हल्दी डाल दें। इससे ही बहुत अच्छा कलर आ जाएगा हमारे ढोकले में। तो हल्दी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर ली हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स कर। तो देखिए, हल्दी अच्छे से मिक्स हो गया है, देख सकते हैं। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन बनने के बाद इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारे ढोकले में। तो इस तरह का मैं एक टिफ़िन जैसा बर्तन ले ली हूँ। अब कोई भी बर्तन में, कोई भी बड़ी सी थाली हो, उसमें भी आप ढोकले बना सकते हैं। किसी भी चीज़ में बन सकता है, थोड़ी सी गहरी बर्तन हो बस। तो मैं इसी में बनाऊंगी। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से चारों तरफ से इसको ग्रीस कर लेंगे। इससे होगा क्या, हमारा नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आएगा। उसे साइड कर दूँ। उसके बाद बैटर ले ली हूँ, उसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे इनो। मैं यहाँ इनो का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडे का भी यूज कर सकते हैं। तो इनो डालकर 1 चम्मच पानी डाल दी हूँ और अच्छे से इसको पूरे बैटर में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको हमने जो बर्तन ग्रीस करके रखा है उसमें डाल देंगे। बस इस प्रोसेस को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहले बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लें, उसके बाद ही बैटर में इनो डालकर मिक्स करें। तो सभी को डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमने एक बर्तन में पानी, 2 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दिया था, और एक इस तरह का स्टैंड रख दी हूँ ताकि हम जब ढोकला इस स्टैंड पर ही ढोकले वाले बर्तन को रख देंगे तो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगा। आपके पास अगर ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी को उल्टा करके रख दें, उससे भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से हम ढोकला को रख दी हूँ और उसके बाद इसको ढक देंगे। इस नाश्ते को आप क्या नाम देंगे, ढोकला भी बोल सकते हैं या फिर नाश्ता भी बोल सकते हैं, तो मैं तो इसे ढोकला ही बोलती हूँ। तो अच्छे से उसके बाद 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इसमें गैस का फ्लेम मीडियम से हाई ही रखेंगे, लो नहीं करेंगे। और ये जो छेद है इसमें हम कोई भी पेपर को डाल देंगे ताकि इससे हमारा जो भाप है वो बाहर नहीं निकले, इसलिए इससे बहुत ही अच्छे से और जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो उससे पहले 5 मिनट के बाद एक बार चेक कर ली हूँ, तो अभी अच्छे से नहीं पका है। तो 5 मिनट के लिए और इसको ढक कर छोड़ दी हूँ। तो पूरा 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट के बाद इसे चेक कर रही हूँ। तो देखिए, एक चाकू की हेल्प से चेक कर लेंगे। तो देखिए, चाकू बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, इसका मतलब कि हमारा ढोकला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो गैस बंद कर दें और ढोकले को ठंडा होने देंगे।
तो जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है तब तक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए ये 2 टेबल स्पून चने की दाल ली हूँ। ये चना भुना हुआ चना होता है, उसी की दाल है। और ये थोड़े से आधी कप मूंगफली ली हूँ, इसे अच्छे से रोस्ट कर ली हूँ। तो इसे रोस्ट कर रही थी उसी में ये चने की जो दाल है, ये भुना चना का दाल है, तो उसे भी डालकर बस 1 मिनट इसके साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी गर्म हो जाए और इसका टेस्ट बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो एक प्लेट में निकाल ली हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद चटनी बनाएंगे। ठंडा हो चुका है तो चलते हैं अब चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हूँ। ये छोटी छोटी लहसुन है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ली हूँ, अगर आपके पास बड़ी है तो 1 से 2 ही लें। और एक हरी मिर्च ली हूँ। इन सभी को मिक्सी जार में डालकर 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही डालने से हमारा जो चटनी है बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो 2 टेबल स्पून दही डाल दी हूँ। मीठी दही का ही यूज करें, खट्टी दही ना हो। नमक 1/2 टीस्पून नमक डाल दें और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी बिल्कुल बारीक पीस चुकी है। इसे दूसरे बर्तन में निकालकर साइड कर देते हैं। तो मैं पतली चटनी बनाई हूँ, अगर आप गाढ़ी बनाना चाहते हैं तो पानी का यूज कम करें। तो चटनी बन गई है, तड़का बाद में लगाएंगे, तब तो उससे पहले ढोकला देख लेते हैं। तो ये ढोकला हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे साइड साइड से चाकू से इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद इसको बीच से इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा ढोकला कट भी जाता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसमें 3 कट लगाई हूँ और उसके बाद इस तरह से इसको स्क्वायर में कट कर लेंगे। अब बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाता है। तो देखिए काट ली हूँ, उसके बाद इसको एक एक करके निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितनी जालीदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट हमारा ढोकला बनकर तैयार है। तो एक एक करके सभी को निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ। तो सभी तो देखिए हमारा बर्तन बिल्कुल साफ साफ है, एकदम अच्छे से ढोकला निकल कर तैयार है। तो दूसरे बर्तन में रख ली हूँ। उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन चढ़ा ली हूँ, 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और उसमें 1 टेबल स्पून ही सरसों के दाने, थोड़े से कढ़ी पत्ता डालकर इसको अच्छे से तड़का लेंगे। तो हमारा तड़का अच्छे से तड़क गया है। उसके बाद सभी ढोकले को एक एक करके इसमें डाल देती हूँ। तो सभी को डालकर इसको अच्छे से उलट पलट कर अच्छे से इसको ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इससे हमारे ढोकले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको मीठा ढोकला बनाना है तो इस तड़के को दूसरे बर्तन में थोड़े बड़े से पैन में डालें और थोड़ा सा चीनी और पानी डालकर उसका लिक्विड बना लें, उससे आप मीठा ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए अच्छे से दोनों साइड से उलट पलट कर ब्राउन कर ली हूँ। इससे बहुत ही हमारे ढोकले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से फ्राई करके एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो बन गया है ढोकला, सभी को दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ, अब इसे सर्व करेंगे। तो सबसे पहले चटनी में तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून सरसों के दाने और थोड़ा सा करी पत्ता डालकर तड़का लगा ली हूँ। और उसके बाद इसे चटनी के साथ सर्व की हूँ। बहुत ही टेस्टी और यम्मी ढोकला बनकर तैयार है। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।